सीबीआई के जवान डायरेक्टर ने अदालत में कहा, षड्यंत्र के तहत जानबूझकर जज को मारी गई थी टक्कर। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने जांच के बारे में अदालत को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे 20 ऑफिसर दिन रात केस को सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि अभी कोई लीड नहीं मिल पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि पकड़े गए दो आरोपितों में से एक प्रोफेशनल मोबाइल चुराने वाला है। वह बहुत ही चालाक और जांच एजेंसी को हर बार नई कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीबीआई ऑफिसर उसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ हो गया है कि जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी, लेकिन इसका षड्यंत्र करने वालों तक जल्द ही सीबीआई पहुंच जाएगी। अदालत ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जज की हत्या की गई है। उन्होंने मौखिक टिप्पणी की कि इस घटना की वजह से न्यायिक अधिकारियों का मॉरल डाउन है। अगर जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा नहीं किया गया तो यह न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।